बोलो आप मेरा ब्लॉग देखते हो? नहीं। अभी बोल रहा था, मैं इसके साथ प्यार से बात कर रही थी ना, तो बोल रहा था हाँ मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा कैमरा खोल रही मैं, तब बोल कह रहा, मैंने कहा तुम मेरा ब्लॉग देखते, कह रहा नहीं। बोल ना किस में देखता है, देखता है किस में देखता है? फोन पे। फोन में? हाँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, जबरदस्ती तो नहीं बोल रहा है? उसमें आपको देखता है व्लॉग में? इन दीदी को देखता है? नहीं देखता। व्लॉग मैंने भी तो बनाया था, तुम देखा नहीं? शर्मा शर्मा के बनाया मोने आपने। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, वो लोग मुझे देख। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है यहाँ पर सैटरडे, जैसे कि करवा चौथ से एक दिन पहले की रात। अभी मैं जस्ट मेरे साथ जो काम करती है रेखा दी, उनके घर में उनकी मेहंदी लगा के आई हूँ, क्योंकि उनके पास कोई था नहीं जो वो मेहंदी लगाती। सो मैंने सोचा उनकी मेहंदी लगा देती हूँ। और जब मैं उनके पास मेहंदी लगाने के लिए गई तो मैंने उनको बताई अपने इंडिया की बात, कि मैं कैसे सुबह दिन में चली जाती थी, फिर सीधा रात को आती थी सबकी मेहंदी मुंदी लगा के, फिर पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। तो मैं उनके साथ अपनी इंडिया की मेमोरी शेयर कर रही थी। तो अभी हम दोनों के दोनों बैठे हैं, अभी मैं इसकी मेहंदी लगाने वाली हूँ, फिर मम्मी की मेहंदी लगाऊंगी। ये मेहंदी इसने खुद से लगाई है, ये इतनी बारीक मेहंदी लगाती है। सो गाइस, ये व्लॉग मैं अपना दो दिन तक कंटिन्यू रखती हूँ, लाइक एक जो आज मैंने जॉब फिनिश करने के बाद बनाया और एक दूसरा जो मैं कल बनाऊंगी। करवा चौथ, और मैं जा रही हूँ अपनी बहन को उसकी जॉब पे छोड़ने, देन जाऊंगी अपनी जॉब पे। और आज शाम का प्रोग्राम दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कर रहा होता है। आज इसको भूख लग गई है, नहीं मुझे मत दिखाओ। सो गाइस, मैं भी आ गई हूँ घर अपनी जॉब फिनिश करके, और मेरी बहन और मम्मी दोनों होंगी अभी रेडी होके। तो दोनों पता नहीं कहाँ है, मैं दोनों को ढूंढी, मैं भी ऊपर है, तो मैं आप दोनों को लोगों को दिखाती हूँ कि वो दोनों कैसे दिख रही हैं। ये इन्होंने यहाँ पे थाली सजाई है, मम्मी यहाँ देखो सुंदर लग रहे हो। अरे किसको देखे, फोटो की कमा रही है मम्मी, मेरे को यहाँ पे अभी पैसे दे रही है। अच्छा थैंक यू, चल फोटो की। सो गाइस, अब हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से सिटी, और वहाँ पे आज है दिवाली फेस्टिवल। और मेरी मम्मी यहाँ खेतों में पता नहीं क्या कर रही है, मम्मी पुदीना तोड़ रही है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्योंकि मम्मी तो यहाँ पे होती नहीं घर में, इसलिए देखने वाला भी कोई है नहीं। तो इसलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हम सिटी में कैसे दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं सिटी। ये भी आई है मेरा। Oh,
लोग आ गए हैं सिटी से दिवाली सेलिब्रेट करके और नीचे खुशबू आ रही है खाने की बड़ी मस्त वाली। पहले यहाँ पे शूज खोल देते हैं, चलते हैं ऊपर और अब इन लोगों का करवा चौथ होगा। अरे वाह पापा, अभी मैंने अपने भाई को ये नारियल दिया है फोड़ने के लिए। ये है इसका रूम, ले भाई इसको फोड़ दे। टोपी पहन के फोड़ेगा। राम ने पूरी ले ले, पूरी अभी खा लो। तो गाइस मैं आपको अपनी बहन की हालत बताती हूँ। मैंने तो खाना खा लिया, ये कह रही है मुझे भूख लग रही है। अब मैं इसके पैर दबाती हूँ पहले थोड़े से। ये भी महारानी रेडी हो गई है, बट यहाँ पे अभी 11 से भी ऊपर हो गया और अभी तक चांद नहीं आया है। पता नहीं क्या ही होगा इन लोगों का। अब तुम इधर आ जाओ, चलो हम जीजू को फोन करते हैं। आ गया यहाँ पे चांद, ये जीजू जा सामने चांद फोटो पे ले। अब उसको एक और बार तो आगे चला। अच्छा लव को देख देख के उधर को करना, उधर को कर मुंह फोन होना डाल। मम्मी क्या करो, पी लो। हाँ इसकी फोटो में टच करके पी लिया पानी पूरा पी उसे। मेरा ही है। हाँ तेरा ही तो है वो। जी तो पी लिया ये पानी। अब आ गई पापा की बारी। ये तो घर जा रखे तो क्या जम रहा है मुके पिले अब पिती रहा था बैठ के पाया तुमने हो सकती। खाना मिल गया गाइस इसको, खा ले बेटा। हमें आपने पूरी भी बनाई थी, सब्जी भी बनाई थी। बताओ दे दो, पूरी खिलाओ।